तो इस तरीके से पानी इन करेगा। अब यहाँ से बताइए, यहाँ पे एक टी देके हमने इसको यहाँ पे एक ब्रास टी दिया है, जिसके कारण से यहाँ पे एक नल लग गया और ये चला गया मोटर के इनलेट में, और ये मोटर का आउटलेट है जो बाहर निकलेगा। और यहाँ पे इस तरीके से टी दिया, यहाँ पे वॉल्वो दिया हूँ, चाबी दिया हूँ, इसको हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं, इसको फ़िलहाल ऑफ़ कर सकते हैं। तो ये अभी ऑन है और ये अभी ऑफ़ है, तभी ऑफ़ कर दिए। और यहाँ से एक एल्बो दिया हूँ और ये डायरेक्ट टंकी में गया है इस तरीके से, यहाँ से ये इस तरीके से पाइप 1.25 इंची का ये डायरेक्ट फिटिंग होके। फिर यहाँ पे हमने एल्बो दिया हूँ, देखिए वो वहाँ से इस तरीके से पाइप यहाँ पे आया है और यहाँ पे साइडल के मदद से इसको अच्छे से फिटिंग कर दिया हूँ। यहाँ पे एक टी दिया हूँ ताज़ा पानी के लिए, ये ताज़ा पानी डायरेक्ट एक बाथरूम के अंदर जाएगा और ये टंकी से इनलेट होगा, टंकी से अंदर पानी जाएगा। तो ये दोस्तों ये टंकी, ये हो गया पानी आपका ताज़ा के लिए और ये टंकी का पानी जो हमने यहाँ पे एल्बो देखे, इसको साथ में इस तरीके से फिटिंग किए हैं। और यहाँ पे हमने एक 1 इंची प्लस 1.25 इंची का रिड्यूसर दिया हूँ, एल्बो दिया हूँ। और यहाँ पे देखिए एक एल्बो देखिए, ये टंकी में डायरेक्ट पानी ऊपर जाएगा और ये पानी से आउटलेट होगा। तो ये और यहाँ पे हमने इस तरीके से यहाँ पे डाउन कर दिया है ये ऊपर में, और क्लिप से इसको अच्छे से फिटिंग भी दे दिए। ये देखिए वो चला गया छत के ऊपर। तो इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। चलिए मैं आपको बाथरूम के अंदर लेके चलते हैं, और आपको बाथरूम के अंदर लेके चलते हैं, फिर उसके बाद टंकी के पास लेके चलेंगे। तो ये फ़िलहाल अंदर चला गया यहाँ पे, चलिए अंदर दिखाते हैं। ये बाथरूम है और बाथरूम के अंदर में देखेंगे तो हमने यहाँ पे आपको दिखाया था बाहर में, एक टी लगा के यहाँ पे एक सॉकेट देखे, ये हमने एक फ्लश के लिए पॉइंट दिया है टॉयलेट में। और यहीं से यहाँ पे एक टी देखे हमने एक बाथरूम के अंदर में चला गया, ये टॉयलेट रूम है, बगल में बाथरूम है। तो यहाँ पे भी एक टी देखे हमने पानी को पास उस करेंगे, और यहाँ पे एक टी देखे ब्रास टी दिया हूँ जो यहाँ पे नल लगेगा, और यहीं से ये बाहर निकाल दिए बेसिन में जाएगा। ये देखिए ये बेसिन का पॉइंट यहाँ पे दिया हूँ, ये फर्श से 18 इंची पे हमने बेसिन का पॉइंट दिया है ब्रास एल्बो लगा के। और ये एक नाली टैप है जो यहीं पे बेसिन लगेगा, तो इसका भी पानी जो है वो यहीं से चला जाएगा वेस्टेड। आपको बाथरूम के अंदर ले चलते हैं। ये देखिए बाथरूम के अंदर में यहाँ पे हमने टी दिया, और टी देने का दिया एल्बो लगा के इस तरीके से। यहाँ पे भी एक ब्रास टी दिया हूँ जो यहाँ पे नल होगा जो टंकी का पानी आएगा, और बगल में आप देख रहे हैं ये फ्रेश पानी आएगा जो यहाँ पे हमने आपको दिखाया था। यहाँ पे टी देखे डायरेक्ट, इसको एल्बो देखे, यहाँ पे ब्रास एल्बो देखे। तो इस तरीके से दोनों पानी मिलेगा यहाँ पे। इसके बाद आप ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे कंसील लगाया हूँ, फिलहाल मैं आपको ओपन करते हैं यहाँ पे देखेंगे। तो ये कंसील यहाँ पे लग के फिटिंग हो गया है, बाकी ये प्लास्टर जब होगा तो बाकी का इसका आउटफिट फिटिंग होगा। और यहाँ पे हमने झरना के लिए पॉइंट लगा दिए, तो इस तरीके से ये टोटल 7 फीट पे हमने दिया है। और यहाँ पे देखेंगे ये 4 फीट है फर्श से और ये 3 फीट, तो लगभग इसकी जो दूरी है तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। और ये बेस्टेड है जो यहाँ पे हमने वाइटी लगा के, एक यहाँ का बाथरूम का वेस्टेड यहीं से जाएगा, और ये वेस्टेड इस तरीके से बाहर चला गया, और यहाँ से लेटरिंग का भी दोनों। चलिए मैं आपको छत पे लेके चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं इसका फिटिंग किस तरीके से, टंकी में किस तरीके से फिटिंग हुआ है। 500 लीटर का टैंक है बालाजी कंपनी का, और 4 लेयर का है। तो फिलहाल हमने इसमें टैंक नेपल यहाँ पे एक लगाया, दूसरा वहाँ पे, और यहाँ देखेंगे हमने यहाँ पे वॉल्वो लगा के इसको, और यहाँ पे यूनियन दिया हूँ। फिलहाल इसको अभी हटा लिए हैं, इसका फिटिंग भी इसका लगभग कंप्लीट कर लिया हूँ। इसको टंकी यहाँ पे फिट अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसको पूरा फिटिंग कर लिए हैं। यहाँ से हम पानी इन कराएंगे और पानी वहाँ से आउट होगा, और ये फ्लो ओवर के यहाँ पे दिखाते हैं। ये देखिए इस तरीके से नीचे जो पाइप आया था दोस्तों, इस तरीके से, और हम जो अभी आपको दिखा रहे थे दोस्तों, तो यहाँ पे फ़िलहाल चबूतरा बनेगा, लगभग लगभग इस हाइट पे आएगा, है ना। तो ये लगभग 1.5 फीट के आसपास यहाँ पे चबूतरा बनेगा, ये हमने इसको मेज़र कर लिया है। कल मिस्त्री आएंगे तो इसको चबूतरा बनाने के बाद यहाँ पे यूनियन लग जाएगा, और यूनियन में टाइट करके ये फ़िलहाल फिटिंग हो जाएगा,
और हमने यहाँ पे इसको फिटिंग कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हमने एयर के लिए देखेंगे तो पाइप भी निकाल दिए हैं एयर के लिए, यहाँ पे टी देके इस तरीके से, और इसको ये इस तरीके से कंप्लीट हमने यहाँ पे लगभग कर लिया। बाकी का ये थोड़ा सा काम जो है वो राजमिस्त्री साहब कर लेंगे। और इसको यहाँ पे ये तो ये टंकी इनलेट हो गया है और वहाँ से इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों तो आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और भी इस तरह का वीडियो आपके पास लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों हमने आपको ये सारा चीज़ वीडियो आपको ए टू जेड दिखा पाया, बता पाया। तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और भी इस तरह का वीडियो आपको देखने सुनने को मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।